रसगुल्ला एक ऐसा चीज है जिसका नाम सुनते ही मुंह में आ जाती है पानी। आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह से सॉफ्ट तुला तुला रसगुल्ला तैयार करके शेयर करूंगी। सिर्फ दो चीज से ये टेस्टी यम्मी रसगुल्ला बन जाएगा घर पर। कोई भी फेस्टिवल त्योहार में टेंशन लेने का जरूरत नहीं, एक सीक्रेट तरीका से ये तैयार हो जाएगा। तो डेरी किस बात की, चलते है फटाफट शुरू करते है आज का रेसिपी। तो इसे तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से बहुत बढ़िया सा छेना आती है और ये छेना से रसगुल्ला भी बहुत बढ़िया होगा। दूध में आ गया है उबाल। अभी मैं दूध को फटने के लिए यहाँ पर विनेगर यूज करूँगी। 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी मिक्स करके ये दूध में डाल दूँगी। और देखिए इस तरह से धीरे 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 चलाने से हमारा दूध से छेना और पानी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी ये छेना को मैं बहुत जल्दी छन्नी में छान लूँगी ताकि ये छेना पानी में बहुत देर तक रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से एक छन्नी लिया है, ये छन्नी से मैं ये छेना को छान लूँगी और बहुत जल्दी ये छेना का मैं ठंडा पानी में धो लूँगी। छेना को बहुत ही जल्दी ठंडा पानी में धो लेना चाहिए ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये रुक जाएगा और छेना हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। दूसरा स्टेप देखिए, ये छेना से पानी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया है। ये कपड़ा के अंदर ये छेना को रख दूंगी और इस तरह से टाइट करके 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से एक कपड़ा में हम इसे टाइट करके बांध के रख देना चाहिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना ये निकल जाएगा और छेना हमारा परफेक्ट बनेगा। इसे एक साइड में रखकर चलते हैं और एक प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर एक कढ़ाई में अभी मैं लूँगी 1.5 कटोरी चीनी। यह 1 कटोरी और यह है 1/2 कटोरी। और इस कटोरी में मैं लगभग 5 से 6 कटोरी लूँगी पानी और इसमें बनाएंगे हम चाशनी। दोस्तों यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे नीचे एक लाइक का बटन में इसे जरूर दबा देना ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा कि नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकती है। 4-5 इलायची को मैंने दरदरा सा कुट लिया था, इसे इसमें डाल दूंगी और इसे उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर हम छेना को चेक कर लेंगे। देखिए छेना में जितना एक्स्ट्रा पानी था ना ये चला गया है। अभी मैं इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी और छेना को अभी मैं हाथ में मसल मसल करके एकदम सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। छेना मसलने के लिए सही स्टेप देखिए, हाथ का ये भाग से हम छेना को प्रेशर करके एकदम स्मूथ बनाएंगे। हमारा रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट टेस्टी यामी बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरह से मसल मसल करके मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। दोस्तों मैं फिर से आपको याद कर देती हूँ, यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे जरूर मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। अभी देखिए छेना का टेक्सचर, पहले छेना का टेक्सचर और अभी छेना का टेक्सचर में बहुत ही फर्क है। एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अभी मैं यहाँ पर डालूँगी 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर देने से हमारा मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ये एक सीक्रेट तरीका है। सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैं यूज करूँगी और फिर से मैं इसे 1-2 बार इस तरह से चला लूँगी। हो गया ये मिक्स। अभी मैं इसका लोइया तैयार करूँगी। लोइया आप आपका पसंद से तैयार कर सकती है। यहाँ पर देखिए मैंने इस साइड से लोइया तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस से मैं सारे लोइया तैयार कर लूँगी। हो गया सारे लोइया तैयार, चलते गैस के तरफ। देखिए चाशनी हमारा बहुत बढ़िया से उबाल आ चुकी है। ये चाशनी में अभी मैंने 1-1 करके सारे लोइया डाल दूंगी और यहाँ पर देखिए अभी मैं ढक्कन दे दूंगी। ढक्कन देकर इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद ही हम ढक्कन को उठाएंगे। हो गया 5 मिनट। देखिए रसगुल्ला हमारा कितना बड़ा साइज हो चुकी है, एकदम दोगुना साइज हो चुकी है ना। अभी मैं बिल्कुल ढक्कन नहीं लगाऊंगी, इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी। ये रसगुल्ला खाने के लिए 20 से 25 मिनट लगभग 1/2 घंटा लगेगा।
अब तक तो अपने रसगुल्ला बहुत तरीके से बना चुकी होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह से रसगुल्ला ट्राई कीजिए ना और देखिए ये कितना सॉफ्ट तुला तुला बनेगा। आधा घंटा के बाद मैंने गैस का कर दिया ऑफ और तैयार हो गया हमारा रसगुल्ला। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये अभी बहुत ही गर्म है, तो मैं एक एक करके सारे रसगुल्ला को एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी और थोड़ा सा केसर के धागा से इसे सजा भी लिया है। देखिए रसगुल्ला का टेक्सचर कितना बढ़िया है, ये बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी यामी बना है, खाने में ये बहुत ही तुला तुला है, मुँह में जाते ही मेल्ट कर जाए। एक बार ये रसगुल्ला ट्राई कीजिए ना। दोस्तों यदि आपको मेरा आज का रेसिपी थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है ना, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।